Hello my dear student, welcome you all on my YouTube channel. As you know that due to COVID-19 classes has been called off. So hum aaj baat karenge basic mechanical engineering jo RGPV first aur second semester dono ke liye important subject hota hai. Hum material basic mechanical engineering mein humne class mein 3rd 4th and 5th unit already cover kar liya hai. आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के. इसको फर्स्ट और सेकंड कवर करने के बाद हम यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ भी कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर फर्स्ट दैट इज़ मटेरियल्स. तो यूनिट नंबर फर्स्ट में पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला है व्हाट इज़ मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड लास्ट सेकेंड लास्ट आयरन कार्बन डायग्राम एंड लास्ट इज टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स? इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द स्टफ ऑफ विच समथिंग इज मेड. मतलब कुछ भी इंजीनियरिंग मटेरियल कोई भी सामग्री हो सकता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. सपोज दैट आई हैव अ मार्कर दैट इज़ मेड ऑफ मटेरियल, वाइट बोर्ड मेड ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग्स मेड ऑफ मटेरियल्स, एवरीथिंग. इट मीन्स इच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ इज सराउंडेड बाई मटेरियल्स. और इसको हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं. इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक इंजीनियरिंग में अप्लाई किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, बात करते हैं हम डेवलपमेंट की. तो जैसे अगर हमने अभी बोला कि दिस इज़ अ मटेरियल, वाइट बोर्ड इज़ अ मटेरियल, तो क्या ये जो मार्कर इज़ अ मटेरियल, वाइट बोर्ड इज ऑल्सो मटेरियल, तो क्या वाइट बोर्ड इसी फॉर्म में अवेलेबल था, ये मार्कर इसी फॉर्म में अवेलेबल है, कैप क्या इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है? नहीं. तो मटेरियल का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से हुआ होगा पहले. इसको नंबर ऑफ प्रोसेसिंग करने के बाद तो मुझे फाइनली मार्कर मिला होगा, वाइट बोर्ड मिला होगा, बिल्डिंग्स मिला होगा, स्टील मिले होंगे. तो देखिए डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, स्टोन एज. ये 2.5 बिलियन ईयर्स बिफोर, आज से 2.5 बिलियन ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, वो एज था स्टोन एज. थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, फिर आया ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज. तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. नाउ हम बात करते हैं कि मटेरियल साइंस, मटेरियल हम क्यों पढ़ रहे हैं. तो हमने बताया कि विदाउट मटेरियल किसी भी सब ऑब्जेक्ट की कल्पना कर ही नहीं सकते. हमने पहले ही बताया कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है वो हम मटेरियल से सराउंडेड हैं, डे टू डे लाइफ हमारा मटेरियल से घिरा हुआ है ना. तो इसीलिए और ये भी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे, जो भी मटेरियल्स हैं उसके क्लासिफिकेशन, उसके एप्लीकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट कि हम उसको यूज़ कर सकें. जैसे सपोज़ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है ना, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक वायर में क्या करंट फ्लो करवाना है. तो अगर नॉन मेटल हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक वायर में तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ये सब देखते हुए हमें हमारे लिए मटेरियल इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना. अब हम बात करते हैं मटेरियल साइंस. तो मटेरियल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें मटेरियल की हम स्टडी करते हैं. तो डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व्स इन इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मतलब साइंस की ऐसा ब्रांच जिसमें हम मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. क्या मैंने बोला, साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे
साइंस को हम बोलते हैं मटेरियल साइंस। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इन फाइव ग्रुप। पहला फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकेंड सेरामिक्स, पॉलीमर्स, फोर्थ कंपोजिट एंड लास्ट वन इज एडवांस मटेरियल। सेरामिक्स एंड पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन मेटल्स। सेरामिक्स एंड पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन मेटल्स। तो हमने बोला मेटल्स में अब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का पहला वर्ड Fe, मतलब मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा फेरस मटेरियल में वो होगा आयरन। फेरस मटेरियल में मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा आयरन, जिसमें हम आगे फेरस में क्लासिफाई करेंगे स्टील और कास्ट आयरन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी पे हमारा पूरा यूनिट बेस्ड है। उसके बाद नॉन फेरस, जिसमें आयरन की कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसमें जिसका एग्जांपल है कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, एटीसी। उसके बाद हम बात करते हैं सेरामिक्स। सेरामिक्स जो है दिस इज द कंपाउंड, दिस आर द कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब ये कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो मोस्टली जो होते हैं नाइट्राइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स, ग्लास, डायमंड, पोर्सिलेन, ब्रिक्स एंड टाइल्स, ये जितने भी होते हैं सारे सेरामिक्स होते हैं। और सेरामिक्स जो होते हैं जनरली मेटल से हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड, स्टिफ और स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मेटल्स सेरामिक्स में ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे हार्ड क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है एंड स्ट्रेंथ क्या होता है, है ना। अब बात करते हैं मेटल्स देख लिया हमने, सेरामिक्स देख लिया, उसके बाद बात कर रहे हैं पॉलीमर्स। पॉली एंड मर्स, पॉलीमर्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है पॉली और दूसरा है मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर्स का मतलब यूनिट्स। इट मीन्स दस मटेरियल्स विच इज कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट से मिल के बना हो तो उसको बोलेंगे पॉलीमर्स। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विच आर केमिकली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन एंड नॉन मेटल्स, जिसके एग्जांपल हैं रबर, पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन, जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है वो है सेकेंड लास्ट इज अ कंपोजिट। कंपोजिट तो कंपोजिट इज अ इंजीनियरिंग मटेरियल दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। कंपोजिट जो है कॉम्बिनेशन होता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का, जिसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल जो है मेटल मैट्रिक्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मेसनरी एंड प्लाईवुड। ये कॉम्बिनेशन जो मेटल्स एंड नॉन मेटल को कंबाइन किया जाता है टू अचीव रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। और जनरली जो कंपोजिट जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। हमें जैसा प्रॉपर्टीज चाहिए उसके हिसाब से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं, उसे हम बोल रहे हैं कंपोजिट्स, है ना। उसके बाद लास्ट वन इज़ अ एडवांस मटेरियल। तो एडवांस मटेरियल को हम जनरली स्मार्ट मटेरियल भी बोलते हैं। एडवांस मटेरियल को स्मार्ट मटेरियल, इसमें जो आते हैं सेमीकंडक्टर्स आते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर, दूसरा जो आता है सेमीकंडक्टर, सेकंड बायो मटेरियल एंड स्मार्ट मटेरियल दैट इज़ सेंसर,
एक्चुएटर, तो सेंसर एक्चुएटर जिससे बने होते हैं मोटर्स, ये सारे स्मार्ट मटेरियल्स, मतलब जो एडवांस अभी नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जा रहे हैं उसको हम जनरली बोलते हैं एडवांस मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया कि मटेरियल्स, व्हाट इज़ मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन RGPV एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आगे हम कल जो पढ़ेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय बाय, और आप घर पे सेफ रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट।